सभापति महोदय, साधारणतः तकनीकी मामलों में बोलने से में राजनीति नहीं आती है, लेकिन अपने मित्र कॉमरेड विनय विश्रम जी को सुनने के बाद मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार कैनेडी चाइना पहुँचे तो माओ उन्हें एक लॉन्ग टूर पे ले गए। लंबे रास्ता तय करने के बाद एक चौराहा आया तो सफर ड्राइवर ने पूछा, कॉमरेड माओ, व्हिच डायरेक्शन आई शुड टर्न द कार? तो माओ ने बड़ा रोचक उत्तर दिया। उसने कहा, सिग्नल लेफ्ट का दो और टर्न राइट करो। भारत के वामपंथियों की यही गति है। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसमें वामपंथ रहा है, मेरे परिवार का भी संबंध था कभी। हाँ, खुद कृपया आप आपस में बात ना करें प्लीज। आपके सामने मैं भी पहले कम्युनिस्ट का मतलब होता है था पॉवर्टी, पुअर का वॉइस। आज विनय विश्रम जी को कहना पड़ रहा है कि हम कम्युनिस्ट गरीबों की बात कर रहे हैं, कारण केरल का गोल्ड स्कैम के बाद इनकी विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गई है कि आज इनके कहना पड़ता है कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का नाम आते ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आता है। जिस दिन हमें कहना पड़ेगा कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इसका अर्थ हमारा उससे डिस्कनेक्ट हो गया। जो मैं कहना चाहता हूं इस बिल के संबंध में, माननीय राकेश जी, मैंने उनसे भी अर्ज किया था आपसे कि विषय पर वो बिल पर मैंने विनय विश्रम जी से भी आग्रह किया था आपसे। मैं तो अपने मित्र, मैंने मित्र को ये कहानी सुनाई कि गोविंद मेनन जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था राजेश्वर राव को कि स्ट्रगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डोंट गो टुगेदर। तो मैं ही कहता हूँ आप या तो स्ट्रगल कीजिए या एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए केरल में, आप दोनों करना चाहते हैं। सब्जेक्ट इज आर्बिट्रेशन। तो मैं अब आर्बिट्रेशन बिल पर आता हूँ। सभापति महोदय, इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका एक बड़ा कारण है कि दुनिया में जो आर्बिट्रेशन की संस्थाएं हैं उनका इतिहास है। जैसे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये 1915 में बना, जो 150 देशों में है, 16,000 मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट 1965 में बना। अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन 1926 से काम कर रहा है। हांगकांग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर 1985 से काम कर रहा है। लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन 1891 से काम कर रहा है, 1891 से काम कर रहा है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नीदरलैंड का है जो 121 देशों में काम कर रहा है। आखिर भारत क्यों अपवाद बना रहा और भारत को ऐसे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ, इसके पीछे एक रीजनिंग और लॉजिक है। आज से यह इंटरनेशनल, ये जो आर्बिट्रेशन का इंस्टीट्यूट है, ये जो संस्था है जो काम करेगी, उसके पीछे तर्क यह है, जो बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं, जो डिस्प्यूट्स कोर्ट जाते थे उसका समाधान, लेकिन जब हमारी बदहाली थी, अपने देश के पास एमएनसी नहीं था, देश के पास एफडीआई नहीं था, तो डिस्प्यूट की संख्या ही इतनी कम थी, और जो संख्या कम थी या तो कोर्ट जाती थी या हांगकांग जाते थे या लंदन जाते थे या हेग जाते थे। लेकिन 2014 के बाद से जो आधारभूत परिवर्तन हुआ वो आंकड़ों से दिखाई पड़ता है। तथ्यों को छिपाया नहीं जा सकता है, तथ्य सूर्य की रोशनी की तरह होती है। आपकी आलोचनाएं बादल की तरह काम कर सकती हैं, लेकिन कब तक बादल सूर्य की रोशनी को रोक पाएगा? सभापति महोदय, 2021-22 में जो एफडीआई का इनफ्लो इस देश में है वो 86 बिलियन यूएस डॉलर है, जो अब तक का हाईएस्ट है। 2014-15 में एफडीआई का इनफ्लो देश के भीतर एवरेज 45 बिलियन डॉलर था, आज 86 बिलियन डॉलर का एफडीआई का इनफ्लो है। ये एफडीआई जो आ रहा है और जो इस संस्था के इस अमेंडमेंट के पीछे तर्क है वो दूसरा तर्क को स्थापित करता है। आज जितनी भी दुनिया की बड़ी संस्थाएं भारत आ रही हैं, ये इंटरनेशनल जो भी मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके क्लॉजेस को आप पढ़ जाइए, उस क्लॉजेस में साफ तौर पर लिखा होता है कि हमारा आर्बिट्रेशन
जुडिशियल सिस्टम से बाहर होगा। वे जुडिशियल सिस्टम में आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जाना चाहते, चाहे यहां हो या वाशिंगटन हो या लंदन हो या हेग हो। जब वो जुडिशियल सिस्टम में नहीं जाना चाहते हैं और आर्बिट्रेशन जुडिशियल सिस्टम के बाहर से कराना चाहते हैं, तो फिर दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? एक तो बढ़ा हुआ एफडीआई, जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है, मैं जानता हूं सब बॉटलनेक है, और हमारे पार्टी के श्री सुशील मोदी जी ने बहुत ही अच्छा बिंदु उठाया, कोर्ट में ब्लॉकेज के साथ साथ जो औपनिवेशिक कॉलोनियल हैंगओवर है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड की बात कही है, वह संभवतः कोर्ट तक पहुंचने वाला है। कोर्ट का भी डिकोलोनाइजेशन की करने की जरूरत है। कोर्ट ही एक बात इंस्टीट्यूशनल रूप में एक ऐसी संस्था है जिसमें लगातार कॉलोनियल हैंगओवर, कॉलोनियल लेगेसीज, कॉलोनियल ट्रेड्स अभी तक जारी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु यहां आता है इस संस्था के बारे में, कि कोर्ट में जब डिस्प्यूट जाता है तो भारत के जो फास्टेस्ट हाई कोर्ट हैं, जिसमें गोवा और सिक्किम का हाई कोर्ट आता है, वहां पर एक केस के रिजोल्यूशन में 1.5 ईयर एवरेज लगता है। और उसी के काउंटर पार्ट उत्तर प्रदेश में एक केस के रिजोल्यूशन में 4 साल लगता है। इसलिए 2009 में यूनियन ऑफ इंडिया और सिंक कंस्ट्रक्शन सिंडिकेट के बीच जो विवाद हुआ, उसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कॉर्पोरेट केसेज में लंबे समय लगते हैं। श्री कृष्णा कमीशन ने बाद में इसी को इंडोर्स किया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसमें उभर कर आता है वह यह है कि जब डिस्प्यूट बाहर रिजॉल्व क्यों किया जाए, आखिर कोर्ट में क्यों नहीं किया जाए? तो जो इकोनॉमी का ग्रोथ का पेस है, जो अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है, उस गति को पकड़ने में हमारी कन्वेंशनल जुडिशियल सिस्टम संभव नहीं है। दोनों के बीच जो इनकम्पेटिबिलिटी है, जो दोनों के बीच कंपेटिबिलिटी का अभाव है दोनों की गति में, उसके कारण आर्बिट्रेशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यह अमेंडमेंट आ रहा है। मुझे दुख हुआ कि लोगों ने इसको सिर्फ नॉमिनेक्लेचर के चेंज के रूप में देखा और कहा नाम बदलने से क्या हो जाता है। नाम बदलने से बहुत कुछ हो जाता है। व्यापार तो गुडविल और ट्रेड के आधार पर चलता है। जब हम न्यू दिल्ली के नाम से जानते थे और भारत की बढ़ती हुई हैसियत में सिर्फ हम अपने डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स को रिकंसिलिएशन के द्वारा, मेडिएशन के द्वारा नहीं सुलझाना चाहते हैं, इस अमेंडमेंट में कंसिलिएशन और मेडिएशन दोनों को शामिल किया गया है। जब डिस्प्यूट का रिजॉल्व करते हैं तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, जब इंटरनेशनल मार्केट को हम एड्रेस कर रहे हैं, यह इसका भी एक इंटरनेशनल मार्केट है जिसको विपक्ष नहीं देख पा रहा है। आप सिर्फ इसे समझौता के संदर्भ में देख रहे हैं, मैं इसे अंतरराष्ट्रीय मार्केट के संदर्भ में देख रहा हूं। जो चीजें बाहर जाती थी, जैसे मेडिकल टूरिज्म होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, यह वैसा ही रिकंसिलिएशन एंड मेडिएशन टूरिज्म भारत में होगा। भारत की मेधा, भारत के विशेषज्ञ और भारत की निष्पक्षता हेग, लंदन और वाशिंगटन में पड़े हुए केसेज को आमंत्रित करेगा। इसलिए जब यह अमेंडमेंट बिल आ रहा था तो एक विदेशी पत्रकार ने लिखा, दिस शो द एम्बिशियसनेस ऑफ इंडिया, भारत की यह महत्वाकांक्षा दिखाता है कि हम उस क्षेत्र में प्रवेश करें जिस क्षेत्र को हम मान रखे थे यह लंदन, वाशिंगटन, हेग का एकाधिकार है। उस एकाधिकार को हम छीनने जा रहे हैं, उसी तरह छीनने जा रहे हैं जैसे 2014-15 में एफडीआई का इनफ्लो में हम 15वें स्थान पर थे, 2017-18 में एफडीआई जब 114 बिलियन डॉलर भारत में आया और हम 8वें-9वें स्थान पर आए, और आज एफडीआई के मामले में भारत सबसे बेहतर डेस्टिनेशन साबित हो रहा है, उसी तरह से रिकंसिलेशन के फील्ड में, मेडिएशन के फील्ड में यह बेहतर डेस्टिनेशन साबित होगा। उपसभापति महोदय, एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक कंप्रेहेंसिव आउटलुक लेकर जब हम काम करते हैं, जब रिजोल्यूशन कोर्ट से बाहर हम तत्परता के साथ त्वरित गति से
करते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता है, दो व्यावसायिक घरानों के बीच नहीं होता है, इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी में एवरेज 5% की वृद्धि होती है। जिस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हमने रोक रखा है, 5% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए बढ़ेगा कि हम उस डिस्प्यूट्स को लटका कर नहीं रखना चाहते। इस अमेंडमेंट बिल में यह भी कहा गया है, इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि 60 दिनों में यदि डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन नहीं होता है तो लिख कर रिकॉर्ड में दिया जाएगा उसका कारण क्या है। यानी हम डिस्प्यूट्स को टाइम बाउंड क्वालिटी रिजोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स आउटसाइड द जुडिशियल सिस्टम हम करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में 2021 तक 70,038 केसेज लंबित थे और हाईकोर्ट में लगभग 56,42,252 केसेज 2021 तक लंबित थे। तो जुडिशियरी का सुधार अपनी जगह पर है, वो अपनी गति से होगा। हम अपेक्षा करते थे कि जुडिशियरी अपने भीतर से इवॉल्व करेगी, इवॉल्व करके एक परिपक्वता के साथ वो सुधार करेगी। जिस मुद्दे को उठाया गया कि वेकेशन लेकर लंबे समय तक जुडिशियरी को बंद रखना, ऐसा लगता है कि उतने महीने तक कि देश में कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं। यदि डॉक्टर 3 महीने का वेकेशन लेकर देश छोड़कर चला जाए तो देश का क्या होगा? तो जुडिशियरी को भी यह सोचना चाहिए कि देश की जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है उसमें डिस्प्यूट सहज बात है, कोई अस्वाभाविक बात नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, वेल ड्राफ्टेड वेल थॉट उन्होंने बिल लाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 महत्वपूर्ण पक्ष को इस देश के सामने रखा है। पहला पक्ष उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में रखा है, जो एक लेफ्ट एंड राइट का कन्वेंशनल डिवीजन पिछले 150 ईयर से पूरी दुनिया में चल रहा था और हम सब अपने मेंटल आउटलुक को उसी डिवीजन के अंतर्गत रखना चाहते थे। उस लेफ्ट राइट के कन्वेंशनल डिवीजन का परिणाम हमने लैटिन अमेरिका में निकारागुआ से लेकर वेनेजुएला तक देखा है। जब पिंक रिवॉल्यूशन आया और पिंक रिवॉल्यूशन में जब लेफ्ट एस्केंडेंसी हुआ, लेफ्ट को सत्ता मिली, मैंडेट मिला, किस प्रकार से पिंक रिवॉल्यूशन विफल हुआ, उस विफलता के कारण उस वामपंथियों का लैटिन अमेरिका में कम्युनिटी शून्य तक पहुंच गई। कारण विश्वसनीयता नेतृत्व की। यदि लीडरशिप की विश्वसनीयता नहीं है तो विचारधारा और मूल्य का महत्व समाप्त हो जाता है। मैं समाप्त करता हूं 2 मिनट में। उपसभापति महोदय, यदि नेतृत्व की विश्वसनीयता नहीं होती है, क्रेडिबिलिटी ऑफ द लीडरशिप नहीं होती है, तो चाहे लेफ्ट विचारधारा हो कि राइट विचारधारा हो, वह शासन व्यवस्था विफल होती है। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में एक विश्वसनीय नेतृत्व देकर आज एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है कि विदेश से हमारा इनफ्लो आ रहा है, सब भारत में आना चाहते हैं, हमारी शर्तों पर इस देश के विकास के सामना चाहते हैं। कंक्लूड बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, ये टोका टोकी में तो बात ही नहीं हो पाएगी। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। दूसरा जो परिवर्तन इस देश में आया है, आइडियोलॉजिकल जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसको आज हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड में भारत की स्टेबिलिटी, भारत का ग्रोथ और भारत का आकर्षण अट्रैक्शन क्या है। दूसरा, इसके साथ उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है जिसको डीकोलोनाइजेशन के द्वारा एड्रेस किया है। भारत अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी पहचान में हम उन सभी चीजों को परिवर्तित कर रहे हैं जहां पर परिवर्तन की आवश्यकता है। और तीसरा और अंतिम बात, जिस सॉफ्ट पावर के आधार पर, जिस सॉफ्ट पावर को आपने पूरी दुनिया में उपेक्षित रखा भारत का, उस भगवत गीता से लेकर चेयरमैन मॉस्क तक भारत प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद राकेश जी, भारत का धन्यवाद राकेश जी, और श्रीमती वंदना चौहान आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। श्रीमती वंदना चौहान।